खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस समय हम नया हरसूद में मौजूद हैं। हमारे साथ युवा अधिवक्ता श्री राम पवार जी हैं, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सक्रिय रहते हैं। राम पवार जी काफ़ी लंबे समय से हरसूद और छनेरा में जो मुख्य मार्ग पर शराब की दुकानें उनको हटाने के लिए प्रयासरत हैं और आज इसी मामले पर वे अपनी बात करना चाहते हैं। राम भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद वसीम भाई जी। क्या कहेंगे आप? मेरे अकेले की मांग नहीं है, नगर के बहुत ही शुभचिंतक और बुद्धिजीवी वर्ग सभी की मांग है कि जो मुख्य मार्ग में जो शराब दुकान है जी, उसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। पहले से मांग उठती आई है और अभी भी और युवा तरुण ही आगे उस चाहती है कि दुकान हटे जी, तो उसको हटना चाहिए, हमारा ये कहना है। अच्छा, तो मुख्य मार्ग पर शराब दुकान होने से इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और आखिर इसको बंद करने की मांग क्यों हट रही है? वहाँ से जगह उसकी बदलने की मांग क्यों उठ रही है? बच्चों के भविष्य पर गलत प्रभाव, वहाँ से निकलने वाले बच्चे जी, मातृशक्ति महिलाएं जी और जो छात्र छात्र छात्राएं हैं जी, लगातार उनका प्रचार प्रसार होता है। वहाँ दारू पी के लोग पड़े रहते हैं कई बार जी, और अनर्गल बातें करते हैं जी, नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, वहीं बाथरूम करा करते पीछे होके महिलाएं वहाँ से निकला करती है जी। मतलब कुल मिलाकर वहाँ का दृश्य है ना बहुत ही खराब है जी, जो समाज के ऊपर एक क्या बोला जाए, उस समाज के ऊपर एक प्रकार से धब्बा है जी। वो दारू दुकान इस नगर के ऊपर धब्बा है, मेरा कलंक की तरह है जी, उसको तुरंत हटा जाना चाहिए। अच्छा, इस संबंध में आपने ज्ञापन वगैरह भी दिया था पिछले दिनों? पिछले दिनों यहाँ की युवा तरुणी ने ज्ञापन दिया था जी, लक्ष्य ऐसा कुछ एक संगठन बनाया अभी जी, नगर के विकास के लिए, नगर के जी अन्य चिंताओं के लिए जी। लेकिन उससे पहले लगभग 2-3 वर्ष पहले जी अधिवक्ता साथियों ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया था जी। ज्ञापन क्या दिया था? जनसुनवाई में मांग की थी जी, उसमें एक यह आया था टिप्पणी के साथ में होती है, आबकारी विभाग से आया था जी, और इनकम इतनी होती जो राज्य में एक बड़ा फंड जाता है जी। लेकिन हमने उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा जी। लेकिन ये है सही में कि इनकम ही सब कुछ नहीं है जी, हमारा समाज जो है जी किस ओर जा रहा है, क्या दृश्य क्या देख रहा है जी, क्या दिखाना चाहिए, मार्केट में अच्छी व्यवस्थाएं हो, यातायात भी बाधित होती है वहाँ पे जी, यातायात बाधित होता है जी, और इनकम सब कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर भी रही है इसके लिए, लेकिन दुकान वहाँ से हटा जाना चाहिए, इतना कहना है। अच्छा, जैसे भविष्य में ये लोग कभी नहीं कार्रवाई करते हैं दुकान हटाने के संबंध में, तो क्या इस संबंध में आप न्यायालय की शरण में भी जाएंगे? बिल्कुल, न्यायालय शरण में भी जाएंगे, हम तो न्यायालय में ही कार्यरत हैं जी, हम तैयार हैं। लेकिन नगर के शुभचिंतक लोग आते हैं जी, तो कार्रवाई तो करेंगे जी, साथ में वकील होने साथ साथ हम इस नगर के नगरवासी भी हैं, नगर के प्रति अच्छा सोचते हैं जी, तो हम यदि नगर के लोग चाहेंगे यार दुकान नहीं हटती, तो हम अनशन जैसे अन्य प्रकार के जो आंदोलन होते हैं जी, वो भी करने के लिए तैयार हैं हम लोग जी। तो आप देख सकते हैं कि युवा अधिवक्ता राम पवार जी ने स्पष्ट एक चेतावनी दी है कि यदि शराब दुकान नहीं हटती है तो वे इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे और साथ में न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेंद्र पगारे जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है, नमस्कार जी। आप क्या कहेंगे? भाई, जो राम भाई ने जो कहा है मैं उसमें पूर्णतः सहमत हूँ और ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वास्तव में इस चीज़ों से, इस शराब से वास्तव में हमारा समाज दूषित हो रहा है जी। जितनी जल्दी हो सके शराब यहाँ शराब की दुकान ही हटाए, ये तो है ही, पर अगर मध्य प्रदेश से ही अगर ये शराब हट बंदी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बिहार राज्य भी है जहाँ पर की शराब बंद हुई है, गुजरात राज्य भी है जहाँ शराब बंद हुई है। मेरा तो शासन से कहना सिर्फ इतना सा ही है कि भाई कम से कम यहाँ पर भी शराबबंदी कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कई आंदोलन किए थे और उसकी मांग भी उठाई थी, और उसी मांग के समर्थन में हरसूद के महेंद्र पगारे वकील साहब भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि शराब के कारण समाज में जो विभिन्न तरह की बुराइयाँ फैल रही हैं और इसकी वजह से कई लोग शराब पीने के बाद जो कई तरह के अपराध समाज में होते हैं, ऐसी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन अपने राजस्व के पक्ष को एक तरफ रखते हुए मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।